इसमें आयुर्वेद का नाम तो हम सबने सुना है कि ये एक कुछ है दवाई की पद्धति या पथी, ऐसा तो हमने सुना है। लेकिन जब हम मूल में जाते हैं तब आयुर्वेद ये दो शब्द है, आयु वो आयुष शब्द है, उसका अर्थ होता है जीवन, और वेद विद धातु से वेद शब्द बने, उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो जीवन विषयक जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद कहा गया है। दवाई उसका एक बहुत छोटा सा भाग है। दवाई की पथी पद्धति ये सब अलग अलग है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, ऐसे नेचुरोपैथी है, ऐसे बहुत सारी पथी है। लेकिन पथियों में और आयुर्वेद में इतना अंतर है कि सभी पथियों का काम हम बीमार हो जाए बाद में शुरू होता है, लेकिन आयुर्वेद हम बीमार न हो इसके लिए उपाय बताता है। तो एक जीवन शैली का, एक जीवनचर्या का नाम आयुर्वेद है। इसके लिए उसके हरेक जीवन के हरेक पहलू पर उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और दूसरा फर्क ये है दूसरी पथी में और आयुर्वेद में कि दूसरी पथी इंद्रियों के आधार पर व्यक्ति ने रचना की थी। दूसरी पथी व्यक्ति रचित है, इसके लिए उनके दोष पथी में भी आ सकते हैं। जैसे व्यक्ति इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के आधार पर और इंद्रियों के अधीन जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट भी होंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े भी हो जाएंगे, लेकिन वो इंद्रियातीत नहीं हो सकते। यो बुद्धे परतस्तु सह, ऐसा जो भगवद गीता में बताया गया है, वो अवस्था उनकी नहीं आई और पथी की रचना की है। तो ये तो और सभी पथी की बात है। आयुर्वेद में बताया गया है कि रजस्तम अनभिभूतानां तेषां ज्ञानम अव्याहतम, कि रज और तम से जो ऊपर उठ गया है व्यक्ति, इंद्रियों के पर हो गया है, उसने इसकी रचना की। दूसरी पथी कुछ पाना है, कुछ ले जाना है, कुछ पा लेना है, कुछ दिखा देना है, इसके लिए रचना हुई है। इस पथी की रचना ऐसे हुई है कि कुछ पा लिया, कुछ जान लिया है, और वो पाने के बाद ऐसा रहा है कुछ जानने का आवश्यक नहीं रहा है, इसके लिए इस पथी की रचना की गई। तो इसमें आयुर्वेद में और उसमें थोड़ी सी बात अलग है, और ये है कि ये इंद्रियातीत अवस्था आने पर वो रचना हुई है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो दूसरे से हम उसकी कंपैरिजन, उसका तुलना उसकी नहीं कर सकते हैं। खास करके मॉडर्न साइंस से भी सब कुछ बातें प्रूव नहीं हो सकती है। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो मॉडर्न साइंस में नजर में आती है, कुछ बातें नहीं आ सकती है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि इसकी मर्यादा है, कि इसकी कोई न्यूनता है, लेकिन ऐसी बात है कि मॉडर्न साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो इंद्रियों की रचना है, वो इंद्रियों से दिखता है, बहुत कुछ इंद्रियों से पर होता है, वो वहां दिखता नहीं है। इसके लिए वो उन्होंने जान लिया, वो जानने के बाद उन्होंने लिखा। जैसे कि आयुर्वेद में मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं जो चिकित्सकों के लिए बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में द्रव्य, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये औषध की पांच अवस्था बताई है। द्रव्य मतलब कि औषध है, उसके कुछ गुण है, जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध का कुछ गुण है। फिर इसका एक वीर्य है, या तो उष्ण है या वो शीत है, मतलब या तो गर्म है या तो ठंडा है। फिर एक पचने के बाद इसका एक, पहले तो छह रसों में से एक रस होता है उसमें, और पचने के बाद उसका रस बदल जाता है। वो पचने के बाद कौन सा रस है वो चख नहीं सकता है, इसके लिए वो इंद्रिय की बात नहीं है, लेकिन वो होता है ऐसा। तो पचने के बाद कौन सा रस होगा उसको कहते हैं विपाक, और ये विपाक पचने के बाद द्रव्य क्या करेगा, नहीं पचेगा तो क्या करेगा वो तो बताया, लेकिन पचने के बाद कैसा हो जाएगा वो। कोई कोई कड़वी चीजें पचने के बाद मधुर हो जाती है, इसके लिए वो पित्त का शमन कर सकती है। हम सीधे देखे तो नहीं कर सकती है, लेकिन वो पचने के बाद करेगी। और पांचवा जो होता है वो अद्भुत होता है, वो एक भी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, वो है प्रभाव। वो प्रभाव औषधियों का बहुत काम करता है, जिसको हम बहुत मानते हैं, और सबसे ज्यादा प्रभाव का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। सारंगधर ने, सारंगधर संहिता में मुनि सारंगधर ने बताया है कि दिव्य औषधि नाम बहु प्रभेदा वृंदारकाणाम इव प्रस्फुरंती ज्ञात्वेति धीरे ही अपाश्य संशयम संभावनीय विविध प्रभाव, कि उसको आप एकदम मत बोल दो कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना रहस्यमय कुदरत है, इतनी रहस्यमय औषधियां है,
कि इसको आप जाने बिना समझे बिना नहीं बता सकते हैं। उसके मैं दो तीन प्रयोग आपको बताते हूँ जो उपयोग में आएंगे आपके। जैसे कि आप सुनेंगे कि हमारे यहाँ गुरु जी के पास बहुत वैज्ञानिक भी पढ़ने आते थे, तो वो बताते कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज एक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है, मतलब एक पारिभाषिक शब्द है। उसका अर्थ होता है कि इसमें क्या है, ये वस्तु में क्या है, उसको डिटेक्ट करते उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सब में बताते इसमें क्या प्रॉपर्टी, इसमें क्या प्रॉपर्टी, इसमें क्या प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इससे प्रोटीन होगा, इससे विटामिन होगा, इससे ये होगा, इससे कार्बोहाइड्रेट होगा, इससे कैलोरी होगी, ये होगा। तो गुरुजी ने एक बार बताया कि देखो सब बातें आप ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ बात आपको माननी ही पड़ेगी, डिटेक्ट नहीं होगी तो भी माननी ही पड़ेगी। तो बोले ऐसा कैसे है, वो मैं नहीं मानता हूँ, मतलब वो तो आप बात कर रहे हो बराबर है लेकिन ऐसा मैं मानूंगा नहीं। तो गुरुजी ने उसको दिया दो वस्तुएं दी, वो बोले अनुभव हुआ तो मानेगा, बोले हाँ। तो उसमें एक हरड़ दी, हरड़ पता है सबको, एक कुटच, कुटच पता है सबको, ये दोनों दिया। अब उनको बोला कि आप देख लो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दोनों में टेनिन एसिड था, दोनों में टेनिन एसिड निकला प्रॉपर्टी में। अब गुरुजी ने बताया इसका क्या काम हो सकता है, बोले जिसके में ये ज्यादा मात्रा में होता है वो पेट साफ करता है, मतलब उसका रेचन होता है, रेचक होता है वस्तु। तो गुरुजी ने बताया ये बात अरड़ के लिए ठीक हो गई, चलो अरड़ खा लिया तो रेचन होता है, कुटच खाया तो क्या होगा, वो खाकर देख लो एक बार। एक ही चीज टेनिन एसिड वाली, वो हरड़ है वो रेचन कराएगी, और कुटज में वही टेनिन एसिड है लेकिन वो डायरिया को रोकेगी। एक कब्जी की औषधिया है, औषधि है कॉन्स्टिपेशन की, दूसरी डायरिया की औषधि, मतलब दोनों विरुद्ध है लेकिन प्रॉपर्टी दोनों में एक ही। तो क्या कारण है, तो प्रभाव उसका कारण है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो ये ऐसा ही बता सकते ऐसा हुआ। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, गाय है उनके सानिध्य में हम रहते हैं तो प्रभाव है एक प्रकार का, उनका दूध पीते हैं तो एक प्रभाव है, घी खाते हैं तो एक उसका प्रभाव है, उसको जीवनीय द्रव्य माना गया है। गो क्षीरम क्षीराणाम, गो सर्पी सर्पीशाम, सभी घृतों में गो का सर्पी श्रेष्ठ है, जीवनदायी है, तो अनुभव कर सकते हैं हम लेकर। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं और कोई कोई प्रयोग